नमस्कार, मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि आज मेरे साथ घटी है। हम मयूर विहार में रहते हैं, मयूर विहार ईस्ट एंड अपार्टमेंट में, और हम कनॉट प्लेस से आज अपने घर वापस आ रहे थे। मैं और मेरा दोस्त, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे एक दोस्त थे, वो भी सीनियर सिटीजन है, वो आगे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पाउच था जिसमें कुछ उनका कैश था, कुछ डेबिट कार्ड थे, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब उसमें था। तो हम जैसे ही अक्षरधाम मंदिर के फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार आया जिसपे एक बंदा पीछे भी बैठा हुआ था। उसने हमारी गाड़ी की तरफ इशारा करके कुछ ऐसा किया कि जैसे गाड़ी पंचर हो गई है या कुछ हो गई है। बट वो इशारा जिस वक्त किया उसने, तो उसके हाथ में से उस वक्त तो हमने नोटिस नहीं किया, बस उसने उस इशारा करते करते हमारी गाड़ी के आगे कुछ मोबाइल ऑयल था या उसमें कुछ मिला हुआ कुछ केमिकल था, वो हमारी गाड़ी के आगे बोनट पे फेंक दिया, जिससे वो अंदर इवेपोरेट होके एसी के साथ अंदर को आया, जिससे के अंदर सफोकेशन होने लगी। तो हमने भी गाड़ी रोकी, आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। ये गाड़ी मैंने रोकी, ये मयूरवार पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है वो समाचार अपार्टमेंट बस स्टैंड के पास, वहाँ मैंने गाड़ी रोकी। तो वहाँ गाड़ी रोक के मैं जैसे ही नीचे उतरा, मैंने देखा आगे तेल पड़ा हुआ है। तो मैं कहा कि ये तेल कैसे गाड़ी से निकला है या कहाँ से इंजन ऑयल कहाँ से आया। तो मैं जैसे बोनट खोल के उसको मैं देखने लगा तो एक लड़का आया, उसने फटाफट, मेरे जो दोस्त बैठे थे वो बहुत सीनियर सिटीजन थे और वो बेल्ट लगा के बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनके हाथ से वो पाउच खोसा और जो दूसरा मोटरसाइकिल वाला एक वेट कर रहा था उसका थोड़ी पीछे मेरी गाड़ी के, वो फटाफट भागा और उसके ऊपर बैठ गया जाके, और वो उल्टी दिशा में अक्षरधाम मंदिर की तरफ भाग निकले। और जिस बंदे ने इशारा किया था वो मोटरसाइकिल वाला भी उधर से आया, वो भी उनके पीछे भागा, यानी कि वो सब मिले हुए थे। वो एक गैंग है, यहाँ से आप ये समझ लो कि नोएडा लिंक रोड पे अक्षरधाम से आते वक्त और जाते वक्त यहाँ पे कभी भी आपके साथ इस किस्म का हादसा हो सकता है। एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट उस वक्त क्या था, उस वक्त भी ऐसे ही इशारा किया कि आप देखिए आपकी गाड़ी के में कुछ है। तो हम नीचे उतरे, मैं नीचे उतरा, उस वक्त नीचे उतर के मैंने देखा तो सेम वैसा ही तेल पड़ा हुआ था, बट मैं उस वक्त ज़्यादा रुका नहीं वहाँ। मैंने सोचा कि शायद गाड़ी में से तेल निकल गया, तो मैं यू टर्न लेके आगे से मैं मैकेनिक के पास गाड़ी दिखाने चला गया। तो उस वक्त उन्होंने वो उनके हाथ से वो खोसा और वो भाग गए। और मतलब कि वो सॉफ्ट टारगेट में रहते हैं, कोई महिला बैठी हो उसके हाथ में पर्स हो या पीछे आपका लैपटॉप पड़ा हो या किसी के बच्चे हाथ में कोई बच्चा हो या आपके सोने का जंजीर आपके गले में है, तो वो आपके यहाँ से खोंस के वो भागते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा हादसा अगर हो आप प्लीज़ गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि पुलिस वाले भी कुछ नहीं उस वक्त, क्योंकि पुलिस हम उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए तो जो SHO साहब थे उन्होंने दो बंदों को हमारे को भेजा उनके हमारे साथ मौका वारदात पे, जहाँ पे वारदात हुई थी। उन्होंने भी देख के कहा कि यहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं है, आप रिपोर्ट दे जाओ, हम देखते हैं। तो मैं दूसरे दिन उनको रिपोर्ट लिख के दे के आया, यानी कि ये 22 तारीख शाम के 5 बजे की घटना है, ये कोई रात की घटना नहीं है, ये शाम के 5 बजे की घटना है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी इस रोड पे इधर से अक्षरधाम की तरफ से आ रहा हो या नोएडा की तरफ से आ रहा हो, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे एक गैंग सक्रिय है, क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हादसा हो चुका है, हो सकता है शायद किसी और के साथ भी हो, तो इसलिए बी केयरफुल।